वेलकम एवरीबडी। आपां पता ही है कि जिमें कि सानू राइटिंग दे विच वधिया बैंड हासिल करन दे लई जिहड़ा हैगा सानू अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत ज़्यादा काम करन दी जरूरत हुंदी है। बिकॉज ना सिर्फ तुहानू सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहीदी है बल्कि वरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहीदी है तां जो असी अपने राइटिंग दे विच रिक्वायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर सकीए। तो अज की क्लास के असी उस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करांगे। ये मैं तुहानू कॉम्पलैक्स सेंटेंसिज, कंपाउंड सेंटेंसिज, ईवन कॉम्पलैक्स कंपाउंड सेंटेंसिज, तो उन्होंने पंक्चुएशन मार्क किदा यूज़ करने हैं वो सारिया चीज़ा डिस्कस करांगे तां जो तुसी अपनी राइटिंग नू इंप्रूव कर सको तो अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर हासिल कर सको। वो स्टूडेंट्स जो 6 बैंड्स या 7 बैंड्स की प्रैपरेशन कर रहे हैं या उस तो ज़्यादा बैंड लेना चाहते हैं आयल्स दे विच, उन्हां दे लई ये वीडियो बहुत जरूरी है। बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर जिहड़ी हैगी आ उहदी रिक्वायरमेंट है तुहाडे आयल्स दे विच रिक्वायर बैंड हासिल करन दे लई। तो बिना होर कोई समा व्यर्थ कीतिआं आपां शुरू करदे हां अज दी क्लास। ते सब तो पहला मैं तुहानूं दसूंगी कि क्लॉज की हुंदा आ ते किवें असी एक क्लॉज नूं आइडेंटिफाई कर सकते हैं ते किवें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस चाहिए हुंदे आ सानूं वक्खरियां वक्खरियां स्ट्रक्चर्स बनाउण वास्ते। सो क्लॉज एक फैंसी नेम है जिहदे विच आपां नूं की चाहिदा हैगा एक सबजैक्ट, एक वर्ब, एक मीनिंग। दैट मीनस क्लॉज कुछ नहीं हैगा, एक क्लॉज की है जिहदे विच अगर मैं पंजाबी च कहां तां एक काम नूं करन वाला करता चाहिदा आ जिहनूं असीं की कह दिंदे हैगे सबजैक्ट। उस तो इलावा साडे कोले एक वर्ब लगी होनी चाहीदी है, जिदा कि सानूं पता है मान लो तुहाडे कोले इज एम आर वर्ब लगी आ या तुहाडे कोले वॉज वर वर्ब लगी हुई है तां इहदे तों तुहानूं की क्लियर आउट हुंदा आ कि जिहड़े मैं काम की गल कर रही हूँ कि वह प्रेजेंट होया आ, कि वह पास्ट होया आ या कि वह फ्यूचर च होण वाला आ। सो बेसिकली वर्ब डिफाइन करदी हैगी आ तुहाडे टाइप ऑफ वर्क नूं। उस तो इलावा उस चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए आ। तो क्लॉज की हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिदे विच आ तीनों चीज़ा आ, करता हैगा, कोई वर्ब लगी हुई है जिदा कोई मीनिंग होना चाहिए है। जिदा मैं सेंटेंस बनाया आई एम अ टीचर, तो हुण इस सेंटेंस दे विच अगर आप गल करिए इत्थे सब्जेक्ट कौन है, मैं अपनी गल कर रही हूँ, सुकर्ता कौन हो गया आए, वर्ब केड़ी होगी हैल्पिंग वर्ब लगी है अपने कोले एम, ते की तुसी इस वर्ड नू पढ़ के सेंटेंस नू पढ़ के सॉरी इसका मतलब कढ़ सकदे हो मैं एक टीचर हूँ। दैट मीनस इस गल की इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी आ एक कंप्लीट इनफॉर्मेशन है, तो इनू मैं की कह सकदी हूँ, इनू मैं एक क्लॉज कह सकदी हूँ। ठीक है जी, आई होप इतों तक गल क्लीयर होगी। सो क्लॉज की हो गया जिदे साडे कोल एक करता हैगा, एक वर्ब लगी है ते उहदा कोई ना कोई मतलब हुंदा है। सो क्लॉज नूं आपां दो कैटेगरीज दे विच डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने कोल ओह वाला क्लॉज है जिहदा मतलब अपने आप च पूरा आ, मतलब जदों तुसीं सेंटेंस खत्म कीता उस तों बाद तुसीं फुल स्टॉप लगा सकदे हो। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज अपने कोल की हुंदा आ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ मीनिंग बट वी कैनॉट ऐड फुल स्टॉप आफ्टर द एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल जिदा आपां आही सेंटेंस लिया सी आई एम अ टीचर, सो अपने कोल इहदा जिहड़ा मतलब है, मतलब इस जगह दे उत्ते तुसी की हैगा फुल स्टॉप ऐड कर सकदे हो। दैट मीनस ये किदां दा क्लॉज हो गया, ये मेरे कोल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हुण आपां गल करिए जे इहनूं मैं डिपेंडेंट च चेंज करना होवे, तां जे मैं इदां सेंटेंस बनावां कि बिकॉज आई एम अ टीचर, तां तुसी कहोगे मैम फिर की, दैट मीनस इस जगह के उत्ते मैं फुल स्टॉप जड़ा हैगा वो नहीं लगा सकती, मैं कोई होर पीस ऑफ इनफॉर्मेशन इतने ऐड करनी पैनी है ता जो इहदी सेंस जो है कंप्लीट हो सके। तो इस केस सिनैरियो दे विच जिदा तुसी बिकॉज तो सेंटेंस स्टार्ट किया सी ता ए वाली चीज़ की होगी अपने कोले डिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज आई होप तुहानू फर्क क्लीयर हो गया। वो वाला सेंटेंस जिहदे एंड ते तुसी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते पर उहदे च सबजैक्ट हैगा, वर्ब हैगी आ, मतलब हैगा, तो उहनूं आपां की कह दिंदे आ डिपेंडेंट क्लॉज। जिहदे एंड ते आपां फुल स्टॉप लगा सकते हैं वह किहड़ा हो गया तुहाडे कोले इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो आ इनफॉर्मेशन नसैसरी हैगी आ तुहाडियां स्ट्रक्चर्स नूं समझण वाले वास्ते। सो सब तो पहला अगर आपां गल करिए कंपाउंड सेंटेंसिस, तो कंपाउंड सेंटेंसिस राजे वो वाले सेंटेंसिस हुंदे आ जिहदे विच तुसी दो क्लॉजेस ऐड किते आ, मतलब दो इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इनफॉर्मेशन ऐड किए आ,
ते उन्हां नूं आपां कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन जिहड़ियां हुंदियां फैन बॉयज जिहनूं आपां कह दिंदे आ, तुसीं उन्हां नूं कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन दे नाल जोड़िया आ। लाइक अगर आपां गल करिए इस तरह, मैं तुहानूं कहा, मैं कहा वी आई एम अ टीचर, तो ये एंड दे उत्ते मतलब मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, ये मेरे को एक इंडिपेंडेंट गल है। ठीक है, एक मैं सेंटेंस बनाया, मैं कहा भी आई लव टीचिंग, तो ये भी अगर आप देखिए पहला की ये सब्जेक्ट हैगा जी, हाँ जी, की वर्ब हैगी है जी, हाँ जी, की फुल स्टॉप लग सकता, हाँ जी, दैट मीनस इट इज़ माई इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिमिलरली आई लव टीचिंग, सब्जेक्ट हैगा, हाँ जी, वर्ब लगी है, हाँ जी, कि ये दा कोई मतलब हैगा, यस। सो ये भी चीज़ की होगी अपने कोले इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो तुसी कदे भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ नू कॉमा नाल नहीं ऐड कर सकते, अगर तुसी इनू कॉमा नाल ऐड किया या तो ये तुहाडा एरर है कॉमा सप्लाइज। सो आपां नू जिहड़ा हैगा इन्हां दोनों सेंटेंसिस नू अगर आपां गल करिए, इन्हां दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज़ नू अगर आपां ऐड करना है, तो सानू इहदे लई कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन चाहिए ने, जिन्हां नू असीं की कह दिंदे हैगे आ फैन बॉयज। तो इत्थे तुहाडा एफ स्टैंड कर रहा हैगा बच्चे फॉर वास्ते, ए स्टैंड कर रहा हैगा एंड वास्ते, एन स्टैंड कर रहा अपना नॉर लई, बी स्टैंड कर रहा साडा बट लई, ओ स्टैंड कर रहा तुहाडा ऑर लई, वाई स्टैंड कर रहा येट लई, ते एस स्टैंड कर रहा आ सो वास्ते। सो इन्हां सारे वर्ड्स नूं आपां ऐड करांगे, ते इन्हां सारे वर्ड्स नूं यूज़ करके असीं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ नूं एक दूजे नाल जोड़ांगे, ते जिहड़ा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनूगी वह किहड़ा सेंटेंस होगा साडा कंपाउंड सेंटेंस। जिद्दां मैं इहदे च गल करां आई एम अ टीचर आई लव टीचिंग, तां अगर मैं इहदी जगह दे उत्ते इदां ऐड करां आई एम अ टीचर एंड आई लव टीचिंग, मैं टीचर हाँ तो मैं टीचिंग करना पसंद है, दैट मीनस जिहड़ा एंड हैगा वह की कर रहा आ वाले सेंटेंस नू ते आ वाले सेंटेंस नू आपस च जोड़ रहा है, तो यह की होगी तुहाडी कोआर्डीनेट करन वाली कंजंक्शन, जिहनू आपां की कह दिंदे आ कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन। हुण इत्थे तुसी आयल्स दे विच एक जिहड़ा हैगा पंक्चुएशन मार्क का भी खास ध्यान रखना होंदा, स्पैशली वो स्टूडेंट्स जिहड़े सैवन बैंडस लई प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जिथे भी राजे फैन बॉयस लाउणा आ रूल अपने कोले ए है दैट यू विल ऐड अ कॉमा बिफोर फैन बॉयज, तो अपना रूल की हो गया ऐड अ कॉमा बिफोर फैन बॉयज। ओके, सो हुण अगर मैं तुहानूं दसां भी एक कॉमा लाउण दा की रीज़न है, मान लो अगर आपां एंड नूं यूज़ कीता, मैं इहनूं सिंपल इदां कहा, मैं कहा भी राम एंड शाम आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, एक मैं क्या राम स्टे इन दिल्ली एंड शाम इज फ्रॉम बठिंडा। हम देखो आ सेंटेंस दे विच भी साढ़े कोले एंड दा यूज होया हैगा, आ सेंटेंस दे विच भी साढ़े कोले एंड दा यूज होया, तो रीडर नूं किवें पता लगेगा कि दोनों एंड्स की फर्क है। एस एंड दे विच असी की कीता है, दो शब्दों नूं राम ते शाम नूं एंड दे नाल ऐड किया है, एदे विच की कीता है राम स्टेज इन दिल्ली की है मेरे कोले इंडिपेंडेंट क्लॉज, शाम इज़ फ्रॉम बठिंडा की है मेरे को इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट मीनस अपने को दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ने, तो रीडर को किवें पता लगेगा वेदर यू आर एडिंग टू वर्ड्स विद एंड और यू आर एडिंग टू क्लॉज विद इट। तो जिहड़ा तुसी फैन बॉयज तो पहला राजे कॉमा लाने हो, जदों भी तुसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज नू जोड़ रहे हो, तो आ कॉमा तुहाडे कोले की हाईलाइट करता है दैट यू आर एडिंग टू क्लॉज, तो आ वाली जिहड़ी इनफॉर्मेशन हैगी आ ये की हैगा मेरे को एक कंपाउंड स्ट्रक्चर हैगी। सो आपां की करना हैगा ध्यान की रखना है, इफ वी आर एडिंग टू वर्ड्स विद फैन बॉयज आपां कॉमा नहीं लगावांगे, इफ वी आर एडिंग टू क्लॉज विद फैन बॉयज दैन वी विल एड अ कॉमा बिफोर अवर फैन बॉयज, तो ध्यान रखना है
कि इदू बाद जिहड़ा लेटर है वह कैपीटल ता ही होगा अगर ये अपना प्रॉपर नाउन है। शाम मेरे को प्रॉपर नाउन से एस कैपीटल है, बट ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा तो यह कैपीटल नहीं होगा। रूल तो नॉर्मली चलूगा कि फस्ट लैटर कैपीटल है, बाकी सारे समॉल होंगे अनटिल अनलैस इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। क्लीयर है जी। उस तो बाद आप मूव करते हैं वापस अपन स्ट्रक्चर्स के उत्ते। सो अपने को हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज की हो गया, जिदी इन्फॉर्मेशन जी हैगी क्लीयर है, एंड से फुल स्टॉप लग सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज की हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिदी इन्फॉर्मेशन क्लीयर नहीं, एंड से फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। यू हैव अ मीनिंग इन दिस बट यू कैनॉट एड अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इट। ठीक है जी। कंपाउंड स्ट्रक्चर्स आप रीड कर लिया, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स वो वाली हो गई जिदे दो इन्फॉर्मेशन पीसिस है जेडे की है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब मेरा रूल की हो गया, अगर मैं इनू लवा इंडिपेंडेंट क्लॉज फैन बॉयज अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो जिथे आप फैन बॉयज लाए है फैन बॉयज तो पहला कॉमा। सो आडा फॉर्मूला हो गया फॉर मेकिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब तो पहला जिदा मैं क्या मेरी सब तो पहला की आया अपने को फॉर मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ वर वेरी प्राउड फॉर देयर चिल्ड्रन हैड बोथ बिकम डॉक्टर्स। मिस्टर ते मिसिस स्मिथ दे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए एंड इस करके दे आर वेरी प्राउड। तो आप फैन बॉयज एंड उस तो पहला आप लाया है कॉमा लाया। आई गिव द प्रॉपर फिशरमैनस नेम फॉर ऑल द फिश फॉर जनरली दे आर द बेस्ट। तो मैं कि क्या जो पॉपुलर फिशरमैन है गया, मैं उन्होंने नेम दिता क्यों, क्योंकि वह सारे दे सारे बेस्ट है। ठीक है, उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट अपने कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन होंगी है एंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे यूज एंड इन देयर स्ट्रक्चर्स। पर ध्यान रखना व्हेन यू आर एडिंग टू क्लॉजेज विद एंड ट्राई टू ऐड अ कॉमा बिफोर दिस। ही एट टू मच, उन्हें बहुत ज़्यादा खा लिया। ही फेल्ट इल एंड ही फेल्ट इल मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा खा लिया तो बीमार हो गया। दैट मीनस जिथे आप कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन लाई हैगी उस तो पहला वी विल ऐड अ कॉमा, तो उस तो बाद ऐड हो जाएगी कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन। उस तो बाद आ गया नॉर, अपने को फॉर हो गया एंड हो गया, एंड तो स्टे नॉट नहीं हैगा, एंड अपने कादे लिए स्टे करता हैगा नॉर। तो वह की कहें द पेशेंट डिड नॉट फॉलो हिज डाइट नॉर डिड ही टेक हिज मेडिसन। ना तो पेशेंट डाइट फॉलो करता है ना कि करता हैगा अपनी मेडिकेशन लेंदा हैगा। दैट मीनस आप जो कहना हो दोनों चीज़ों निगलिजेंस पाना हो कि आ भी नहीं तो आ भी नहीं, उस केस की यूज़ करते हो नॉर। आई हैव नैवर बीन टू दुबई नॉर, हम देखो इस केस दे विच देखो नॉर हैव वी एवर बीन टू इंडिया। तो इतने थोड़ा जो सब्जेक्ट हैगा वी हैगा इस केस दे विच, आपा की क्या कि आपा कदे भी दुबई नहीं गए तो ना ही कदे इंडिया गए हैं। तो इन दोनों केस सिनेरियो दे विच वी आर एडिंग टू क्लॉजिज, तो उन्होंने केसिस दे विच जिहड़ा हैगा बिफोर इंडिपेंडेंट क्लॉज वी आर एडिंग अ कॉमा। सो एक क्वेश्चन हैगा अपने को, एक क्वेश्चन है कि अगर मैं तुहानू पूछा वॉटर बॉयल्स तो की ये चीज़ मेरे को एक क्लॉज हैगी या नहीं हैगी। तो प्लीज़ कॉमेंट सैक्शन से यदा आंसर करना है वॉटर बॉयल्स की मेरे को एक क्लॉज हैगा, इज़ इट अ इंडिपेंडेंट क्लॉज और नॉट। तो रूल ओही हैगा सब्जेक्ट होवे वर्ब होवे मीनिंग होवे, अगर तीनों चीज़ा हैगी इट इज़ क्लॉज अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो प्लीज़ ट्राई टू आंसर कि ये चीज़ क्लॉज हैगी है कि नहीं हैगी। उस तो अगे आप मूव करिए बट, बट नूं आपां पंजाबी च की कह दिंदे आ पर, है ना। तो जिदा कि क्या द पेशेंट फॉलोड हिज डाइट बट ही डिड नॉट टेक हिज मेडिसन। तो वह की हैगा पेशेंट ने डाइट तो फॉलो की आ पर उन्हें अपनी मेडिकेशन नहीं ली, तो पर दे कॉन्टेक्स्ट अपने को आ गया बट यूज़ कर लिया। उस तो बाद स्टडी विल स्टडी वैल और यू विल नॉट पास, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। आते नॉर्मल जी जिहड़ा वर्ड हैगा जिहड़ा आप टीचर्स अक्सर सुनते रहने कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। सो दैट मीनस अपने कोले और दी कंडीशन लाई हैगी है। ठीक है, हुण इत्थे देखो स्टडी वैल और यू विल नॉट पास, तो इत्थे अपने कोले और तो पहला कॉमा नहीं हैगा। वट इज़ द रीज़न फॉर दैट। हुण अगर आप गल करिए अपने कोले टर्म आई हैगी स्टडी वैल। ठीक है, तो हुण देखो इत्थे की तुहाडे कोले कोई वर्ब लगी हुई है स्टडी वैल, क्योंकि आप पिछली सेंटेंस देखिए यू विल नॉट पास, तो तुहाडे कोले सब्जेक्ट कौन हो गया यू, वर्ब केड़ी होगी तुहाडे कोले विल। मैं तुहानू क्या मैं क्या भी पढ़ लो नहीं तो पास नहीं होंगे, यू विल नॉट पास। दैट मीनस आ चीज़ तो मेरे को इंडिपेंडेंट क्लॉज हैगी है, पर जे मैं इधर आवा स्टडी वैल
तो स्टडी वेल की अगर आप गल करिए एक सबजैक्ट हैगा आ पर इतने वर्ब नहीं लगी हुई दैट मीनस कि ये चीज़ अपनी क्लॉज नहीं हैगी। अगर ये क्लॉज नहीं हैगी तो असी क्या कि जो असी फैन बॉयज़ के नाल दो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ नू जोड़ांगे उस केस दे विच ही असी कॉमा लावांगे। तो अगर आ चीज़ अपने को क्लॉज ही नहीं हैगी स्टडी वैल तो अपना की करांगे इस जगह पर कॉमा भी ऐड नहीं करांगे भावें कि ये तुसी फैन बॉयज़ लाया होया स्टिल इट इज़ योर सिंपल सेंटेंस। तो आप क्या कंपाउंड सेंटेंसिस केड़े हो गए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एडड बाय फैन बॉयज़। तो अगर तुसी क्लॉज इको क्लॉज हैगा इस केस दे विच तां करके और लग्या होने के बावजूद भी यह सेंटेंस तुहाडा किदां आया सिंपल सेंटेंस हैगा। नैक्सट शैल वी स्टार्ट क्लास और शुड वी वेट फॉर द रेस्ट ऑफ दैम। तो हम देखो कि असी क्लास स्टार्ट कर दिए हमने या सानू उन्हां दी वेट करनी चाहिए। तो इस केस दे विच इस जगह पर कॉमा आऊगा बिकॉज वी आर एडिंग टू क्लॉज ओवर हेयर। ओके जी नैक्सट मूव करते हैं। नैक्सट केस सिनैरियो हैगा राजे येट ते सो। येट नू आपां टाइम दे रिगार्ड्स भी कह सकते हैगे आ येट नू आपां हाले तक पर फिर भी दे कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं। माई मॉम वॉज टू टायर्ड येट शी क्लीनड द हाउस। मेरे मदर बहुत थके हुए सी पर फिर भी उन्होंने घर की सफाई की। तो आप इतने कादे नाल आया हैगा येट दे नाल। अगर मैं एक होर सेंटेंस बनावा मैं क्या भी आई शुड हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय नाउ आई हैवंट स्टार्टड इट येट। हुण इस केस दे विच की होया अपना फैन बॉयस बिल्कुल एंड दे चल गया पर वो कॉमा जिहड़ा आपां कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो पहला लाउणे आ वो तुसी ऐड करना हैगा। तो मैं की कहा मैनू अपनी असाइनमेंट हुण तक खत्म कर लेनी चाहीदी सी पर मैं शुरू भी नहीं कीती। तो इत्थे जिहड़ा येट हैगा हाले तक दे कॉन्टेक्सट होया राजे टाइम दे कॉन्टेक्सट दे विच। इत्थे येट जिहड़ा तुहाडा होया हैगा वो पर फिर भी दे कॉन्टेक्सट दे विच होया। तो मेरे मदर बहुत ज़्यादा थके हुए सी पर फिर भी उन्होंने की हैगा घर की सफाई की। दैट मीनस थके होने के बावजूद भी उन्होंने घर की सफाई की। तो आपू का कॉन्टैक्सट यूज़ किया हैगा येट के कॉन्टैक्सट यूज़ किया। उस तो बाद आ गया सो। सो एक इदा कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन है जिड़ी तुम रिजल्ट देने यूज़ करते हो। हाँ मैं थकी हुई सी करके मैं छुट्टी लै ली। तो आपू का कॉन्टैक्सट कहता सो दे कॉन्टैक्सट है ना। नो बड़ी वॉज प्रिपेयर फॉर द टैसट सो द टीचर स्टार्टड अ न्यू लैसन। तो कोई भी बच्चा टेस्ट प्रिपेयर नहीं करके आया सी तां करके टीचर ने की कीता न्यू लैसन स्टार्ट करता मतलब की है इहदा रिजल्ट देता। हमेशा जो तुसी अपना राइटिंग दे विच एसे लिखते हो तो तुसी किसे चीज़ का रिजल्ट देना आ तुसी सो तो रिजल्ट देना आ। कोशिश करो राजे कदे भी फैन बॉयज तो आपां सेंटेंस स्टार्ट ना करिए। तो सो की बजाय जिदा अपने को वर्ड्स होंगे आ जिहड़े तुसी ऐड कर सकते हो जिदा अपने को दस आ गया या तुहाडे कोले देयरफोर आ गया या तुहाडे कोले हैंस आ गया। आपने इदां दे जिहड़ियां हैगियां कंजंक्शन नूं यूज़ करना हैगा किसी भी चीज़ का रिजल्ट देने लई। पर कोशिश करनी हैगी आ कि आपां सो तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट ना करिए। तो फैन बॉयज़ तुसीं की करोगे विदन का सेंटेंस लाओगे कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन की तरह तो उन्होंने ऐड करोगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉसिज़ वास्ते। पर कोशिश करो कि कदे भी आप फैन बॉयज़ तो जिहड़ा हैगा सेंटेंस शुरू नहीं करिए। रिजल्ट देना है अगर चंगा रिजल्ट है दस देयर फोर हैंस दे नाल दे सकते हैगे तुसीं। अगर माड़ा दे रहे होगे हो तो जिदा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्सीक्वेंटली। तो एक ही हो गया तुहाडा एक नैगेटिव रिजल्ट हैगा तो तुसीं कॉन्सीक्वेंटली ना नैगेटिव रिजल्ट देता। पर आपां सो तो रिजल्ट देना अवॉइड करना। बट हाँ जे तुसीं इक्को सेंटेंस गल कर रहे हो मैं क्या भी वह बीमार सी तां उह नहीं आया तो वह अगर इक्को लाइन दे विच ऐड हो रहा दैन यू कैन ऐड सो फॉर प्रोवाइडिंग रिजल्ट। बट इन योर राइटिंग ट्राई करो कि या तो इन्हां ना रिजल्ट दे दिए या फिर आपां कॉन्सीक्वेंटली ना रिजल्ट दे दिए। उस तो बाद अगर आपां गल करिए सो मरियम वॉन्टड टू रिकवर सो शी फॉलोड द डॉक्टर्स ऑर्डर। तो हुण इत्थे सो की दे रहा रिजल्ट दे रहा कि मरियम जिहड़ी हैगी आ वो रिकवर करना चाहती सी जिहदे करके उन्हें की किया डॉक्टर्स के ऑर्डरस नू फॉलो करना स्टार्ट करता। नाओ लेट्स मूव टू द कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस। तो कॉम्पलैक्स के कंपाउंड सेंटेंसिस दे विच आपां कहा सी कंपाउंड सेंटेंसिस वो वाले हुंदे आ जिहदे विच तुहाडे कोले की है
दो इंडिपेंडेंट क्लॉजिज ने ते तुसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजिज नू ऐड कीता होया तां हुण देखो कंपलैक्स सेंटेंसेस अपने कोले किहड़े हो गए तां राजे तुहाडे कोले मैं कंपलैक्स सेंटेंसेस दी गल करां तां कंपलैक्स सेंटेंसेस अपने कोले ओ वाले सेंटेंसेस हो गए जिहदे विच तुहाडे कोले एक क्लॉज तां डिपेंडेंट है ठीक है जिहड़ा दूसरा क्लॉज हैगा वह क्लॉज अपने कोले इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक क्लॉज की है डिपेंडेंट क्लॉज है दूसरा क्लॉज की है इंडिपेंडेंट क्लॉज है इहदा की मतलब हो गया डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब उहदे एंड ते यू कैनॉट पुट अ फुल स्टॉप आही गल कीती सी डिपेंडेंट क्लॉज अपने कोले की केड़ा हो गया जिहदे एंड दे उत्ते तुसी फुल स्टॉप ऐड नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट केड़ा हो गया जिहदे एंड ते आपां की हैगा फुल स्टॉप ऐड कर सकते हैं ठीक है जी हुण इहदा की मतलब हो गया कंपलैक्स का मतलब है मैं दो जानकारियां दूंगी जिहदे चों एक जानकारी डिपेंडेंट होगी एक जानकारी की होगी इंडिपेंडेंट होगी तो उन्हां नूं ऐड करके मैं एक सेंटेंस बनवाऊंगी जिद्दां मैं क्या भी आई बिकेम टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग तो मैं टीचर बन गई क्योंकि मैनू टीचिंग पसंद आ हम देखो ये की तुसी फाइंड आउट कर सकते हो कि अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज केड़ा आ ते डिपेंडेंट क्लॉज केड़ा आ लेट्स बिगिन विद दिस तो अपने कोले सब्जेक्ट हैगा जी वर्ब लगी हुई है आई बिकेम अ टीचर मैं एक टीचर बन गई ठीक आ क्योंकि मैनू टीचिंग पसंद आ बिकॉज आई लाइक टीचिंग तो आ क्लॉज की हो गया तुहाडे कोले डिपेंडेंट जे मैं आके तुहानू कहां बिकॉज आई लाइक टीचिंग दैट मीनस आई नीड टू प्रोवाइड मोर इनफॉर्मेशन टू कंप्लीट माई सेंटेंस राइट तो इतने हुण मैं की क्या आ क्लॉज की हो गया अपने कोले इंडिपेंडेंट क्लॉज जिहड़ा इहदी इनफॉर्मेशन नू की कर रहा है कंप्लीट कर रहा है हुण इतने नोटिस करन वाली गल ये है राजे कि आपां हमेशा जिंदगी दे विच जिहड़ा बिकॉज हैगा उहनू तुसी यूज़ कीता आ पर तुसी कदे भी बिकॉज जदों यूज़ कर रहे हैं तुसी बिकॉज तो पहला कॉमा नहीं जे लाया है ना सो इहदा कारण की हैगा हुण देखिया जाए तो इहदे तो साडे कोले पंक्चुएशन मार्क का रूल आ गया जिहड़ा तुसी हमेशा यूज़ किया आ बट यू डोंट रिमैंबर इट या आइदर यू डोंट नो इट बेसिकली सो अपने कोले की है इंडिपेंडेंट क्लॉज फस्ट प्लेस ते आया है ना तो सैकेंड प्लेस ते मेरे कोले की हैगा डिपेंडेंट क्लॉज तो हुण इत्थे रूल की है कि अगर तुहाडे कोले फस्ट प्लेस ते इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सैकेंड प्लेस ते डिपेंडेंट क्लॉज है इस केस दे विच आपां गल करांगे दैट यू विल नॉट ऐड अ कॉमा तो रूल की हो गया जी जे साडे कोले पहले नंबर ते इंडिपेंडेंट क्लॉज है दूजे ते डिपेंडेंट क्लॉज है वी विल नॉट ऐड अ कॉमा हुण देखो अदरवाइज देखदे आ मैं क्या भी ऑल दो He was sick. भावें कि वह बीमार सी He came to attend class, his classes. वह आपदी क्लासा लाने आया भावें कि वह की सी बीमार से ठीक है हुण इस केस सिनेरियो दे विच देखो अगर आप फस्ट प्लेस के उत्ते गल करिए although he was sick. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਵਿਲ ਐਡ ਅ ਕੋਮਾ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਐਟ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਅ ਕੋਮਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਓਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅ ਟੀਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼
बिकॉज आई लाइक टेक टीचिंग की हो गया थोड़े को डिपेंडेंट, तो अपने को फर्स्ट प्लेस से डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, सेकेंड प्लेस से थोड़े को इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, यू विल एड अ कॉमा बिफोर दैट। ठीक है, इतने एक क्वेश्चन हैगा जिहड़ा आई वॉन्ट टू आस्क, तो नैक्सट क्लास के विच वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। आप राजे तुसी देखिया होना विच दे नाल सेंटेंसिस बने हुए, जिदा मैं कह आई लाइक द बुक विच इज रिटन बाय माई अंकल, मैं वो किताब पसंद है जी मेरे अंकल ने लिखी है। ठीक है, आई लाइक दैट बुक। हम देखो अगर मैं इतने देखा तो इतने थोड़े को विच तो पहला बहुत बार कॉमा लग जाता होंगे, तुम शायद न्यूज़पेपर के उत्ते या अपनी रीडिंग से विच भी पढ़िया होना है कि जोड़ा विच हों विच तो पहला आप अक्सर कॉमा ला लें, बट जे मैं ये जगह पर दैट ला दी तो मैं इतने कॉमा नहीं मैं लगा सकती सी। ठीक है, विच तो दैट जी अगर आपी करिए तो आप दोनों केसिस जेडी कहने हैं, है ना। मैंने वो किताब पसंद है जी मेरे अंकल ने लिखी, आई लाइक द बुक दैट इज़ रिटन बाय माई अंकल, तो दोनों केसिस के अगर आप दैट लगा रहे हैं इतने विच लगा रहे हैं, विच तो पहला कॉमा लग रहा है, दैट तो पहला कॉमा नहीं लग रहा, यहाँ की कारण है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन आई वॉन्ट टू लीव यू गाइज विद कि अगर आप विच स्ट्रक्चरस तुम्हें देखिया होनी है विच के विच हम देखो विच इज़ रिटन बाय माई अंकल, तो आता को डिपेंडेंट क्लॉज हो गया जी मेरे अंकल द्वारा लिखी गई है, तो इस केस के डिपेंडेंट क्लॉज कितने पाया सेकेंड पोजिशन पर, पर आप गल कही है कि जे सैकेंड पोजिशन पर डिपेंडेंट क्लॉज पाया हों तो आप उत्थे कॉमा नहीं लाते, बट फिर भी विच तो पहला आप काफ़ी बार कॉमा ऑबजर्व करते हैं, तो की रीज़न हैगा। सो यदा रीज़न यू नीड टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सैक्शन एंड वी विल डिस्कस दिस वेरी रीज़न इन द नैक्सट क्लास। वापस आने राजे कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर के उत्ते, अ टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर आयल्स ऑबवियसली सिक्स बैंड या हायर वास्ते, तो ये देखो द मोर वेरीड एंड मोर एक्यूरेट योर कंपलैक्स सेंटेंसिज आर द हायर द बैंड स्कोर फॉर दिस, दैट मीनस जिन्या ज़्यादा स्ट्रक्चरस बनाओगे तो उन्होंने फ्रीकुएंट एरर फ्री स्ट्रक्चरस है, मतलब तुम पंक्चुएशन मार्क तक की गलती नहीं की, आयल्स का बैंड उन्ना ही ज़्यादा इंप्रूव होएगा। हम देखो अपने को सारे वर्ड्स ने जिन्होंने बच्चे आप सुबॉर्डीनेटिंग कंजंक्शन कह दें, यदा मतलब यह है कि इन वर्ड्स तो जोड़े भी सेंटेंसिज बनते हैं वो सारे दे सारे मेरे को डिपेंडेंट क्लॉसिज होंगे। सो क्वेश्चन ये हैगा कि इन्हों आप यूज़ किमें करना, ऑल दो हो गया है ना, ऑल दो का की मतलब हो गया पंजाबी दे विच भावें की, है ना, तो मैं की क्या मैं क्या भी ऑल दो ही वॉज सिक ही केम टू क्लास, भावें कि वह बीमार सी वह क्लास दे विच आया। ठीक है, दिस इज़ द वन वे ऑफ राइटिंग इट, इनू मैं इदा भी लिख सकती ही केम टू माई क्लास ऑल दो ही वॉज सिक, तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स के लिखती तो आ कॉमा राजे जो आप इतने लगया हो तो इस केस के कॉमा नहीं लगना से, हम जिदा आप सेंस वाली करते हैं, सेंस का की मतलब हो गया इनू आप एज सेंस या बिकॉज न सारू क्योंकि की तरह ट्रीट कर लें, है ना, तो इनू मैं क्या भी सेंस सेंस नू आप पिछे करते हैं, जिदा मैं क्या ही स्किप्ड माय क्लास सिंस ही वाज नॉट वेल, हम देखो मैं क्या भी उन्हें मेरी क्लास स्किप कर दी क्योंकि वो ठीक नहीं सी। हुण इस केस दे विच जिहड़ा आ कॉमा हैगा राजे वी विल नॉट एड अ कॉमा ओवर हीयर, क्यों, क्योंकि सिंस वाली स्ट्रक्चर जिहड़ी हैगी आ तुहाडी डिपेंडेंट क्लॉज है, तो अपने कोल इत्थे की हैगा डिपेंडेंट क्लॉज इज एट सैकेंड पोजिशन, इंडिपेंडेंट क्लॉज फस्ट पोजिशन पर हैगा, तो इस केस सिनैरियो दे विच वी विल नॉट एड अ कॉमा। ठीक है जी, उस तो बाद अगे मूव करते हैं, गिवन दैट प्रोवाइडेड दैट दिता होया। ठीक है, मैं क्या भी आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन
getting your desired score given that you work hard. तो मैं क्या भी जे तुसी हार्ड वर्क करोगे तो मैं की कहूँगी मैं तुहाडी हेल्प करूँगी तुहाडा डिजायर स्कोर हासिल करन वास्ते। तो इस केस दे विच भी देखो राजे गिवन दैट यू वर्क हार्ड अपने कोल डिपेंडेंट क्लॉज है जिहड़ा कि आपां सैकेंड पोजिशन ते लाया होया तो जे आपां सैकेंड पोजिशन ते लाया होया तो इहदी जगह दे उत्ते आपां इत्थे कॉमा ऐड नहीं करांगे। आ सारियां ओ वालियां स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां कल्ली कल्ली तुसी समझनी है। You need to practice these structures regularly अपने essay दे विच ताकि जो तुसी final exam दे विच बैठो इन्ना structures नू use करन दे विच तुहानू कोई परेशानी ना आवे। Because राजे structure use करना एक चीज़ है, structure नू use करके अपनी cohesion ते coherence नू बनाए रखना is the second thing। ता अगर तुसी CC maintain करनी है तो तुहानू structure दी जिहड़ी practice आ उस सून स्टार्ट कर लेनी चाहिए है। बिकॉज अगर तुसी सिर्फ इन्हों पढ़ के जाओगे एंड यू विल ट्राई कि मैं पेपर से लगा लूँ सीधा जाके तो जे उस केस दे विच इदां हुंदा है तो इफ़ यू ट्राई टू वर्क ऑन योर स्ट्रक्चर तो थोड़ी सीसी खराब हो जाऊगी। अगर तुसी सीसी सही करोगे तो थोड़े को स्ट्रक्चर्स नहीं लगनियाँ। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिहड़ियां हैगियां स्ट्रक्चर्स नू नाल नाल प्रैक्टिस करिए। जदों भी तुसी एसे लिख रहे हो किसी भी तरह का ट्राई करो कि हर रोज़ एक एक स्ट्रक्चर जिहड़ी हैगी है वन बाय वन तुसी इनकलकेट करना शुरू करो इन योर एसे ते जिहड़ा हैगा फाइनल एग्जाम तो पहला इन्हां स्ट्रक्चर्स नू तुहानू ना सिर्फ इन्हां दे मीनिंग दी क्लैरिटी होवे बट कि यह भी पता होवे कि हाँ मैं यूसेज किवें करनी है ते किहड़े सेंटेंस दे हिसाब नाल मैं उहनू मॉडिफाई कर सकदा सो दैट तुहाडी जिहड़ा कोहीजन ते कोहरेंस है वह खराब ना होवे एसे दे विच। ओके इन केस ते इफ जिहड़े हैगे आ इह राजे अपने कोल कंडीशनल ने। कंडीशनल दा मतलब की हो गया कि तुसी कंडीशन ला रहे हो तो उस तो बाद उदा रिजल्ट दे रहे हो। मैं जिवें तुहानू कहा मैं क्या भी इफ यू वर्क हार्ड यू विल गैट योर डिजायर स्कोर। तो जे तुसी हार्ड वर्क करोगे तो तुहानू जड़ा हैगा तुहाडा डिजायर स्कोर हासिल हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी वेल है ना। हुण देखो इफ दी जगह ते मैं इन केस लावां, मैं क्या भी इन केस यू वर्क हार्ड। हुण इस केस सिनेरियो दे विच मैनू तुहाडे हार्ड वर्क करन ते बहुता भरोसा नहीं हैगा। ठीक है, मैं क्या भी जे पढ़ लोंगे तो वधिया बैंड आ जाणगे। ठीक है, सो इस केस सिनेरियो दे विच इन केस भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इफ भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है। तो जदों भी आपां एसे लिखदे हां आपां जनरली की कहने हैं जे सरकार ने इस मुद्दे ते काम कीता तां इह मुद्दा हल हो जूगा है ना। तो उस केस दे विच तुसीं इफ भी लगा सकदे हो, इन केस भी लगा सकदे हो। तो एक वारी जे मान लो मैं बीपी वन दे विच इफ नाल कंडीशनल बना लिया आ तो मैं बीपी टू दे विच ट्राई करूँगी कि मैं कादे नाल जावां इन केस नाल रेदर दैन रिपीटिंग द सेम स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज वी आर सपोज टू प्रोवाइड द वरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन आवर एसे। ओके, एज हो गया, एज इफ हो गया, एज सिंस ते बिकॉज आपां पिछे कीता सारे क्योंकि दा मतलब दे रहे हैं है ना। तो मैं क्या आई एम गोइंग टू हैल्प यू as it is my duty। तो मैं क्या भी मैं तुहाडी हेल्प करूँगी क्योंकि मेरी टीचर दे होने के नाते ये चीज़ ड्यूटी हैगी है। तो क्योंकि दे कॉन्टेक्स्ट तुहाडे कोल की चल गया, एज चल गया। एज इफ हम देखो एज इफ नूं अगर आपां सेंटेंस बनाइए ज़्यादा क्लीयर होगा। मैं क्या भी ही वॉज बींग rude as if he was the only right person on planet। सही गल है जी। मैं क्या भी वो इंसान बहुत ज़्यादा रूड हो रहा सी, क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता हैगा कि वो ही इकलौता सियाना इंसान हैगा प्लैनेट दे उत्ते। ये तो सारे नाल हुंदा है ना, सानू सारे नाल लगता है दैट आपां दुनिया दे सब तो सियाने इंसान आ। तो एज इफ ही वॉज द ओनली राइट। हुण देखो एस केस दे विच तुहाडा डिपेंडेंट क्लॉज राजे सैकेंड पोजिशन ते चल गया। अगर अपना सैकेंड पोजिशन ते डिपेंडेंट क्लॉज है
ही वॉज बीइंग रूड तो एक ही हो गया अपने को इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एज इफ तो पहला कॉमा नहीं लाओगे वी आर फॉलोइंग द सेम रूल एक्सैप्ट विच उस तो बाद आ गया एज लोंग एज है ना मैं इदा सेंटेंस अगर वर्बली बनावा तो मैं क्या भी वी आई एम गोइंग टू हैल्प यू एज लोंग एज यू आर रेडी फॉर इट तो जिन्ना टाइम तुम पढ़ना नहीं चाहते उन्ना टाइम मैं कोई हैल्प नहीं कर सकती बट जिन्ना टाइम तुम पढ़ना चाह रहे हो आई कैन हैल्प यू तो उत्थे की हो गया एज लोंग एज एज सून एज मैं क्या ही स्टार्टड स्टडिंग फॉर हिज नैक्सट क्लास एज सून एज ही रीच्ड होम तो जिमें ही वह घर पहुँचा उन्हें की अगली क्लास वास्ते पढ़ना स्टार्ट करता तो ये अपने को कादे च आ गया एज सून एज एज मच एज डिस्पाइट ओके अपने को स्ट्रक्चर होंगे राजे डिस्पाइट तो इनस्पाइट ऑफ ये आप यूज करते हैं दे बावजूद के कॉन्टेक्स्ट के ठीक है हम देखो इनस्पाइट तो बाद ऑफ लग्या होया जदों भी आपफ तो बाद वर्ब लाने आप वर्ब की फस्ट फॉर्म के आई एन जी यूज करना होंगे ऑफ तो बाद ठीक है डिस्पाइट के कॉन्टेक्स्ट के नहीं डिस्पाइट के नाल ऑफ नहीं लगता कदे भी इनस्पाइट तो बाद ऑफ लगता है तो जे तुसी वर्ब ला रहे हो तुसी केड़ी फॉर्म लाओगे जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना जिदा मैं क्या डिस्पाइट द रेन ही केम होम अर्ली इस तरह मैं सेंटेंस बनाया ही केम होम अर्ली इंस्पायर्ड द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग हुण मैनूं ये दसो भी इन्हां दोनों स्ट्रक्चर्स दे विचों केड़ी कंपलैक्स हैगी है केड़ी सिंपल सेंटेंस है अगर आप गल करिए डिस्पाइट द रेन अगर मैं इन्नी स्टडी इन्नी चीज़ पढ़ा डिस्पाइट द रेन तो हुण देखो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई डिस्पाइट रेन की हो गई अपने को एक नाउन हो गई या जिन्हों आप कह दें सबजैक्ट हो गया करता हो गया ठीक है मीह के बावजूद ही केम होम अर्ली वो घर जल्दी आ गया सबजैक्ट होगी वर्ब होगी तो आ वाली चीज़ तो मेरे को क्लॉज हैगी बट अगर मैं फस्ट पार्ट की गल करा डिस्पाइट द रेन इतने वर्ब नहीं लगी हुई है ना सो आ पोर्शन मेरे को क्लॉज नहीं है सो तुसी भावें कि डिस्पाइट में यूज़ किया होया ये इलावा अपना जोड़ा सेंटेंस हैगा वो सिंपल है बिकॉज देयर इज़ ओनली वन क्लॉज इन योर स्ट्रक्चर ही केम होम अर्ली वो घर जल्दी आ गया ठीक है इंस्पायर्ड द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग आज प्रॉपर क्लॉज हो गया आ भी थोड़े को क्लॉज हो गया इस केस के एक क्लॉज डिपेंडेंट हो गया एक क्लॉज इनडिपेंडेंट हो गया तो अपने को सेंटेंस थोड़े कॉम्पलैक्स हैगा आंटेंस थोड़े को आया सिंपल सेंटेंस है भावें कि तुम ये सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की है सिमिलर हो गया कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर के भी आप कहने हूँ कि फैन बॉयज लग्या पर जे दो क्लॉजिज नहीं है तो कि सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है इस केस के भी अपने को जी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हुई है पर क्योंकि आ चीज़ एक क्लॉज ही नहीं हैगी तो कि स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड वन पीस ऑफ इनफॉर्मेशन ओनली ठीक है जी अनलैस अनटिल अनलैस ईवन इफ एंड ईवन ये भी सारिया की हो गई राजे कंडीशन है मैं क्या भी आई एम नॉट गोइंग टू हैल्प यू अनलैस यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड तो जे तुम हार्डवर्क करना शुरू नहीं करोगे मैं थोड़ी हैल्प नहीं करूँगी या अनलैस की जगह अनटिल तो मैं क्या भी जदों तक तुम हार्डवर्क करना स्टार्ट नहीं करोगे मैं थोड़ी हैल्प नहीं करूँगी तो मैं क्या आई एम नॉट गोइंग टू हैल्प यू अनटिल यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड बाई योर सैल्फ ठीक है वैन हो गया नॉट ओनली बट ऑलसो आइदर तो और हुण अगर आप गल करिए वैन की तो मैं क्या भी वैन I came home जदों मैं घर आई my friend was sitting in garden तो मैं क्या भी जदों मैं घर आई मेरी friend की सी garden दे विच बैठी हुई सी तो when I came home तो आड़ा कि हो गया राजे डिपेंडेंट क्लॉज माई फ्रेंड वॉज सिटिंग इन द गार्डन कि हो गया इनडिपेंडेंट क्लॉज
पहले नंबर पर डिपेंडेंट क्लॉज आ, कॉमा ऐड करांगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज करांगे, ठीक है। होर आप गल कर रहे थे नॉट ओनली बट ऑलसो आइदर ऑर, ठीक है। हम देखो जदों आप गल करते हैं राजे नॉट ओनली बट ऑलसो की, तो नॉट ओनली बट ऑलसो की स्ट्रक्चर के एक ध्यान रखना होंगे अपने को सबजैक्ट एको होंगे, मतलब मैं इको चीज़ बारे गल कर रही हूँ तो मैं उदियाँ दो क्वालिटीज़ मैनशन कर दो फायदे या दो नुकसान। अगर तुम मैं कहो कि आप एस एच कितने यूज़ कर सकते हो, तुम नॉट ओनली बट ऑलसो की स्ट्रक्चर हमेशा अपने कंकलूजन यूज़ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि मान लो उन्होंने तुम एस ए दिता है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन, तो तुम्हें की करना है अपनी ओपीनियन देनी है, तो तुम देखो भी तुम अपना जोड़ा बी पी टू लिखते हो, बी पी टू कुछ ना कुछ जोड़ा है बी पी टू जेडे भी तुम रीज़न लिखे आ बी पी टू आप अपनी साइड वाला ओपीनियन दें कि हाँ मेरा मनना आया, तो उत्थे जेडे भी तुम दो पॉइंट्स दते आ उन्हां दो पॉइंट्स नू ऐड करना हैगा नॉट ओनली बट ऑलसो नाल इन योर कंकलूजन। जिदा मैं क्या भी टेक्नोलॉजी नॉट ओनली सेव्स आवर टाइम बट ऑलसो सेव्स आवर मनी, तो टेक्नोलॉजी ना सिर्फ साडा टाइम बचाती है बल्कि पैसे भी बचाती है। मान लो तुहानू किसी ने तुहानू पेपर दे विच क्वेश्चन आया टेक्नोलॉजी के की फायदे है, वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या उन्होंने तुहानू पुछ लिया डू यू थिंक इट्स एडवांटेजेस आउटवेज डिसएडवांटेजेस, तो जिहड़ा भी पैरा तुसी अपना बी पी लिख रहे हो तो उहदे विच तुसी की कीता जिहड़े भी दो पॉइंट्स लिखे सीगे उन्हां दोनों पॉइंट्स नू मैं काहदे नाल ऐड करता नॉट ओनली बट ऑलसो दी स्ट्रक्चर नाल, तो यह स्ट्रक्चर कोशिश करया करो भी हमेशा तुहाडे कंकलूजन दे विच एक स्ट्रक्चर आ जाए नॉट ओनली बट ऑलसो, क्यों? क्योंकि तुहाडा कोई ना कोई ओपीनियन तो एस एच रहा है यू आर राइटिंग, तो जिहड़ी भी चीज़ तुसी बी पी टू च ऐड की यू कैन ऑलवेज ऐड दैट थिंग इन योर नॉट ओनली बट ऑलसो स्ट्रक्चर। उस तो बाद जिदा आइदर ऑर है ना, मैं क्या भी फॉर कमिंग टू बठिंडा, बठिंडा आने वास्ते you can either book a cab or board a bus, तो मैं क्या भी जो बठिंडे आना है तो तुम की है या तो कैब बुक कर सकते हो या तो बस से आ सकते हो, है ना, तो इस केस के या तो आ कर सकते हो या तो आ कर सकते हो, तो आइदर और बुक अ कैब और ट्रेन कुछ भी इदा की गल की तो आप किया आप दो ऑप्शन देती तो आप ऑप्शन देती आइदर तो और दे, ठीक है। तो जिते भी तुम्हें की करना है अपनी राइटिंग ऑप्शन देनिया है यू कैन गो विद आइदर और स्ट्रक्चर। उस तो बाद आ गया राजे नाइदर नॉर बिफोर, तो हम देखो नाइदर नॉर मैं क्या भी यू कैन नाइदर टेक अ बस और अ कैब वैन यू आर कमिंग टू बठिंडा, ना तो बस मिलनी है ना तो कैब मिलनी है, तो जो तुम दोनों ही ऑप्शनस नल एंड वॉइड करता तो आप कहता जोड़ा है नाइदर नॉर द स्ट्रक्चर न। उस तो बाद आ गया बिफोर है ना, मैं क्या भी बिफोर एंट्रिंग एग्जामीनेशन हॉल you should be well prepared, तो तुहानू चंगे तरीके नाल तैयारी कर लेनी चाहिए है एग्जामीनेशन हॉल च एंटर करन तो पहला। हम देखो बिफोर तो बाद दो चीज़ों का ध्यान रखना, जो बिफोर लग्या है बिफोर तो बाद तुसी वर्ब यूज़ की है ऑफ की तरह, बिफोर दे विच भी आप कर रहे हैं जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। उस तो बाद देखो बिफोर एंटरिंग द एग्जामीनेशन हॉल कॉमा यू शुड बी वैल प्रपेयर, तो एग्जामीनेशन हॉल दे विच एंटर करन तो पहला तुहानू प्रॉपरली प्रपेयर हो जाना चाहिए है। उस तरह आफ्टर दे विच है ना, मैं क्या भी आफ्टर अटेंडिंग सो मैनी क्लासेज आई वॉज रियली टायर्ड, तो आफ्टर attending so many classes
आई वॉज रियली टायर्ड. ठीक है जी. वंस वेन एवर, हम देखो मैं क्या भी, यू शुड सेंड मी अ मैसेज वंस यू रीच देयर. तुसी जो उत्थे पहुंचे तो तुसी मैनू की करो, मैसेज ड्रॉप कर दो. ठीक है. उस तो बाद जिदा अपने को नेक्स्ट आ गया नेवर द लैस वेदर. हुण राजे साढ़े कोले कुछ कनैक्टर्स हुंदे आ, जिद्दां तुसीं गल करदे हैगे हो तुहाडी हाउएवर दी. ठीक है. तुहाडा मोर ओवर हो गया, फरदर मोर हो गया, नन द लैस हो गया, नेवर द लैस हो गया. इन्हां सारिआं नूं आपां राजे जिहड़ा हैगा सेंटेंसिस नूं ऐड करन दे लई यूज करदे आ. ईवन यू कैन स्टार्ट अ पैराग्राफ फ्रॉम दीज थिंग्स. ठीक है. इन्हां दा मतलब की हुंदा. हाउ एवर नूं आपां उदों यूज करदे आ जदों तुसीं कोई ऐसे लिख रहे हो. ठीक है. तो तुसीं बीपी वन च मान लो आपां टेक्नोलॉजी वाला ही ऐसे लिखी जांदे सी. बीपी वन दे विच मैं टेक्नोलॉजी दे सारे फायदे दसते, हुण मैं बीपी टू च मूव करना जिथे मैं टेक्नोलॉजी दे नुकसान दस रही हूँ. तो पॉजिटिव साइड तो जो मैं नैगेटिव साइड मूव कर रही हूँ तो मैं की कर रही हूँ, हाउएवर नूं यूज़ कर रही हूँ. ठीक है. मोरओवर या फरदर मोर, मोरओवर राजे आप उदों यूज़ करते हैं. मान लो तुसीं एक पॉइंट लिखा, मैं क्या भी टेक्नोलॉजी के नाल जिहड़ा हैगा साडा टाइम सेव हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी नाल साडे पैसे भी सेव हो जाते हैं. तो हुण मैं की कर रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के फायदे दस रही हूँ. सो तुसीं की कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ऐड अ पॉइंट इन गिवन स्टेटमेंट. तो एक स्टेटमेंट दिती आ, आपां उहदे विच की कर रहे हैं, उहदे विच होर पॉइंट ऐड कर रहे हैं. तो उहदे विच होर पॉइंट आपां कादे नाल ऐड करता, मोरओवर दे नाल ऐड करता. ठीक है. फरदर मोर आपां उदों यूज करते हैं वैन यू ऐड न्यू इनफॉर्मेशन. तो ये न्यू इनफॉर्मेशन राजे कोई नवा पैराग्राफ भी हो सकती है. तो जे तुसीं नवा पैराग्राफ, मान लो मैं टेक्नोलॉजी के फायदों से ऐसे लिख रही हूँ, मैं बीपी वन लिखता या बीपी टू स्टार्ट करना है, तो हुण मैं की कीता, मैं उहनूं कादे तो स्टार्ट करूँगी, फरदर मोर तो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ऐड न्यू इनफॉर्मेशन इन माई एसे. ठीक है. नन द लैस ते नेवर द लैस, इन्हां दोनों यूसेज आपां उदों करदे हां, देखो हाउ एवर फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव. नन द लैस या नेवर द लैस वैन यू आर मूविंग फ्रॉम योर नैगेटिव साइड टू पॉजिटिव. बीपी वन के मैं टेक्नोलॉजी के नुकसान लिखे है, तो बीपी टू के मैं टेक्नोलॉजी के फायदे लिखन लगी हूँ, तो उस केस के मैं कहदे नाल मूव करूँगी, नन द लैस या नेवर द लैस नाल. ये एक होर गल ध्यान रखनी हैगी है, ये जेडे भी कनैक्टर्स है तुहाडे, तुहाडा मोर ओवर हो गया, नन द लैस, नेवर द लैस, फरदर मोर, फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई ये जिन्ने भी फॉर्म्स है, इन सारों अगर तुसी एक सेंटेंस दे विच ऐड कर रहे हो, तो सेंटेंस च ऐड करन तो पहला वी विल ऐड अ सैमी कॉलन एंड दैन वी विल ऐड अ कॉमा. मतलब इन्हों लिखन तो बाद तुसी कॉमा हमेशा लाओगे. कई बच्चों आदत होंगी ऑलदो तो बाद कॉमा लाते हैं, वायल तो बाद कॉमा लाते हैं, वो नहीं लगेगा. ठीक है. पर आ जिहड़े शब्द हैगे आ इन्हां तो बाद आपां हमेशा कॉमा लावांगे. जिवें मैं कहां, मैं क्या भी आई टीच ऑफलाइन फ्रॉम 9 to 5, मोर ओवर I take online classes after that. तो हुण की हैगा, मैं अपने टीचिंग स्कैजूल बारे किसी नूं जानकारी दे रही हूँ. मैं क्या भी मैं 9 to 5 ऑफलाइन पढ़ानी है, उस तो बाद ऑनलाइन पढ़ानी हूँ. हुण इस केस दे विच जिहड़ा मोरओवर तुसी ऐड कीता आ, तुसी मोरओवर नूं विदिन द सेंटेंस ऐड कीता, तो मोरओवर तो पहला सैमी कॉलन, मोरओवर तो बाद कॉमा. ठीक है. ये कदों यूज़ कर रहे हैं, जदों आपां इनू की कर रहे हैं, विद इन अ सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. इस तो इलावा तुसी मोरओवर नू जिद्दां आपां फुल स्टॉप लाया हैगा, फुल स्टॉप तो बाद तुसी मोरओवर नू यूज़ कीता आ, ते मोरओवर तो बाद तुसी की लाओगे, कॉमा लाओगे. ठीक है.
इस गल का ध्यान देना, मोर ओवर द एम भी छोटी, उस तो बाद भी लैटर जो छोटा ही आऊगा। तो रूल अपने को फर्स्ट लैटर कैपिटल, तो उस तो बाद सारे लैटर समॉल अंटिल अनलैस इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन। तो हुण आपां की कीता, मोर ओवर तो पहला सैमीकॉलन, बाद चो कॉमा, आ सारे दे सारे वर्ड्स नूं तुसीं जिथे भी अपने एसे दे विच विद इन अ सेंटेंस ऐड करोगे, यू विल ऐड अ सैमीकॉलन एंड दैन यू विल ऐड अ कॉमा। ठीक है जी। उस तो बाद अगर आपां गल करिए एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे बच्चे जिदा तुसीं यूज़ करते हैं राजे, फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर इंस्टेंस या जिन्नियां भी इहदियां फॉर्म्स ने, इहदे विच एक वरायटी तुसीं इदां दे सकदे हो कि फॉर एग्जाम्पल जिदा मैं इहनूं कहा, मैं कहा भी फॉर एग्जाम्पल कॉमा आई लाइक टीचिंग। ठीक है जी, ये मैं एग्जाम्पल देती। दूसरे पासे मैं इसे एग्जाम्पल नूं इस तरीके नाल भी लिख सकती हूँ, मैं क्या भी आई कॉमा फॉर एग्जाम्पल कॉमा लाइक टीचिंग। तो हुण तुसी देखो राजे, इस केस दे विच मैं की कीता, मैं जान बुझ के जिहड़ा मेरा सबजैक्ट हैगा आ उन्हों मैं फॉर एग्जाम्पल तो पहला लिखा आ, इस केस दे विच की आ फॉर एग्जाम्पल तो बाद मेरा सबजैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हुण आपां जिहड़ी वरायटी देनी आ, तुसीं इस पेपर दे विच दो एग्जाम्पलां लिखिया, एक एग्जाम्पल तुसीं नॉर्मल लिखोगे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दिस, जां जिहदी भी तुसीं एग्जाम्पल लिख रहे हो। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच सबजैक्ट नूं आइडेंटिफाई करोगे, सबजैक्ट नूं पहला लिखोगे, कॉमा लाओगे, फॉर एग्जाम्पल लिखोगे, कॉमा लाओगे, एंड दैन यू विल कंटिन्यू विद योर स्ट्रक्चर। तो आ भी की हैगी आ राजे, दिस इज़ ऑलसो एग्जामिनर नूं इत्थों ये पता लग रहा कि हाँ तुहानूं स्ट्रक्चर्स की वरायटी नूं यूज़ करना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वास्ते हो सकता है जिन्हें भी आपां पिछे वर्ड्स लिखे हैगे राजे, तुहाडे मोर ओवर नन द लैस नैवर द लैस फरदर मोर, इन्हां सारे वास्ते सेम रूल एप्लीकेबल है। तुसीं सबजैक्ट नूं पहला लिख सकते हो, इन्हां नूं कॉमा लाओ, फिर मोर ओवर लिखो, फिर कॉमा लाओ, एंड गो विद द रेस्ट ऑफ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। उस तो बाद अपने को चीज़ कंप्लीट होगी वैदर और दी, अपनी लास्ट स्ट्रक्चर रहेगी राजे वैदर और। तो इतने जिदा मैं कह, मैं क्या भी आई एम गोइंग टू शिमला वैदर यू आर कमिंग और नॉट। तो आप किसी जोड़ा है रोह पाना हैगा भी तुसी आ रहे हो या नहीं आ रहे, सानू नहीं फर्क पैंदा, आपां जा रहे हैं। तो मैं की क्या, आई एम गोइंग टू शिमला वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तो तुसी आ रहे हो नहीं आ